कलरफुल कल्पा। यहां से दिखाई देते हैं किन्नौर कैलाश। चिटकुल से रवाना होने के बाद हम लोग निकल पड़े किन्नौर की पहाड़ियों में बसे इस खूबसूरत गांव कल्पा की ओर, जो मशहूर है अपने शिव के बागान, नारायण नागिनी मंदिर और 10वीं शताब्दी में बनी इस मोनेस्ट्री के लिए। ये मोनेस्ट्री उन 108 मोनेस्ट्रियों में से एक है जो बौद्ध भिक्षु रिनशेन सांगपो ने अपनी मां की याद में बनवाई थी। कुछ दशक पहले यह मोनेस्ट्री आग में जल गई थी, जिसे बाद में कल्पा गांव के लोगों ने वापस बनवाया था। मोनेस्ट्री में कुछ समय गुजारने के बाद हम लोगों ने कल्पा के बाजार में बने छोटे से रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और वहां से आगे निकल पड़े किन्नौर कैलाश व्यू पॉइंट पर। वहीं पे बना हुआ था लकड़ी की बारीक कारीगरी से बना हुआ लकुड़ा वीर मंदिर। लगती है मेरे ना। अच्छा, आपके भैया हैं क्या? अच्छा 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 मैं तो यहाँ, मेरा बगीचा है यहाँ से पर ना। हाँ हाँ, बगीचा देखने आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका घर भी यही है, ससुराल भी यही है? ससुराल रोड में। कल्पा के इन भाई बहनों से मिलने के बाद हमने कुछ देर किन्नौर कैलाश की पहाड़ियों को निहारा। वहां से हम निकल पड़े हमारे अगले पड़ाव की ओर।